Hello friends, welcome to you all in my YouTube channel once again. So in this class we're taking as a new topic of the Ayurveda, that is called as the Vipaka concept of the Ayurveda. Okay, that is nothing but the Vipaka concept of the Ayurveda. So Vipak and Avastapak, these two words you hear in the first year, but it is important for whole year BMS. Okay, so that is on the Vipak. Vipak means, what is the Vipak and the number of Vipak and the test of that Vipak we see here. Okay, to continue with that next page. Okay, so the definition of Vipak is here given, that Jather Agni Nam Yogat Uddite Rasantaram. See here one by one. Okay, Jather Agni Nam Yogat Uddite Rasantaram. So after the yoga of Jather Agni, जठर अग्नि जो फूड के ऊपर एक्ट करता है, उसके बाद जठर अग्नि नाम योगाद उद्यते रसांतरम. तो इसके बाद जैसी जठर अग्नि का जो एक जो उसका जो फंक्शन जो रहता है उसका अगर एंड हो जाता है, उसके फूड में रिमेनिंग जो फूड उसका जो बचा हुआ रहता है उसमें एक टेस्ट कन्वर्ट हो जाता है, एक टेस्ट फॉर्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द विपाक. यहाँ पे वही बोला गया, जठर अग्नि अपना जो काम किया उसने, योग जहाँ पे हुआ फूड के अंदर, उसका काम खत्म होने के बाद वहाँ पे क्या हो रहा है, उस फूड में रसांतरम, एक नए रस की उत्पत्ति हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज रसांतरम, रस का चेंज होना. रसा नाम परिमाणांते, रस में जो चेंज हुआ है, रस में जो परिणाम जो हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज विपाक इति स्मृत. जाठेर अग्नि नाम योगात उत्ते रसांतरम रसा नाम परिमाणांते स विपाक इति स्मृतः. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द विपाक इज हियर. लेट्स कंटिन्यू विद दैट. सम इम्पोर्टेंट फीचर्स अबाउट दैट मधुर विपाक, अम्ल विपाक एंड द कटु वन. ओके, सो वन श्लोका इज देयर फॉर यू. द त्रिधा विपाको द्रव्य से स्वादु अम्ल कटुकात्मकम. सो अकॉर्डिंग टू सम आचार्य इज गिवन दैट थ्री काइंड्स ऑफ विपाक इज देयर. दैट स्वादु मीन्स मधुर विपाक. मधुर विपाक इज फॉर दैट स्वादु पटुष्य मधुरम. ओके, फॉर द मधुर एंड अम्ल रस द विपाक विल बी मधुर विपाक, एंड फॉर द अम्ल रस द्रव्य द विपाक विल बी द मधुर सॉरी विल बी द अम्ल विपाक, एंड फॉर द तिक्त कटु कषाय रस द्रव्य विल बी विपाक इज अ कटु द्रव्य विल बी कटु विपाक. ओके, सो वी सी हियर द फर्स्ट, दैट इज द मधुर विपाक. तत्र मधुर विपाक, मधुर विपाक से क्या होगा, श्रेष्ठ मीन्स अच्छे तरीके से क्या होगा, उसका जो फीसेस जो बाहर आ रहा है, उसका जो यूरिन बाहर आ रहा है, ये सब होगा उसको. श्रेष्ठ विडमूत्र मधुर विपाक बन रहा है, इसका ये सब रक्षण से हमको समझ में आना चाहिए. श्रेष्ठ मीन्स एक अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से क्वान्टिटी से बाहर का आना, दैट इज श्रेष्ठ विडमूत्र. शुक्र वृद्धि कर मधुर विपाक, अगर उसका रहेगा उसका शुक्र वृद्धि बढ़ा हुआ रहेगा, शुक्र वृद्धि कर. श्लेष्मश्च यानी इसका जो कफ का जो रहेगा, कफ भी बढ़ा हुआ उसको मिलेगा, दैट इज़ अबाउट द मधुर विपाक. श्रेष्ठ विडमूत्र शुक्र वृद्धि कर श्लेष्मश्च, उसका जो विट और मूत्र है, पीसेस और जो यूरिन है, श्रेष्ठ लार्ज क्वांटिटी में नहीं आएगा, अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएगा. शुक्र वृद्धि कर मीन उसका जो स्पर्म रहेगा, जो उसका बढ़ा हुआ रहेगा, बढ़ जाएगा. स्पर्म आई एम नॉट मीनिंग दैट शुक्र मीन्स स्पर्म. ओके, सो डोंट अंडरस्टिमेट दैट शुक्र मीन्स स्पर्म. अगेन एंड अगेन, शुक्र मीन्स हियर बोथ द मेल एंड फीमेल, दैट इज अ स्पर्म और ओवम. श्लेष्मश्च मीन्स दैट इज अ कफ इज इंक्रीज. ओके, दैट इज अबाउट द मधुर विपाक. लेट्स कंटिन्यू विद द अम्ल विपाक. अम्ल विपाक वेन कंडीशन दैट कम ओनली वेन द यू सी यू ईट दैट अम्ल द्रव्य मेडिसिन, अम्ल द्रव्य फूड. ओके, अम्ल विपाक सृष्टि विड मूत्र. अगेन, अगर अम्ल विपाक रहेगा तो उसके अच्छे तरीके से आपके विट और मूत्र निकलेंगे. शुक्र नाशन, इसमें क्या होगा, इसमें जो बंदा है अगर घड़ी घड़ी अम्ल विपाक वाले चीज़ें खाएगा, उससे क्या होगा, शुक्र नाश हो जाएगा उसका. वो बंदा स्टराइल, दे कैन बी स्टराइल. ओके, दे कैन बी इनफर्टाइल. वो कभी इट कांट बी प्रोड्यूस चिल्ड्रन. ओके, तो अम्ल विपाक वाले जो द्रव्य है, अम्ल जो टेस्ट वाले जो द्रव्य है, आदमी को ज़्यादा नहीं खाने चाहिए. आदमी मीन्स द पर्सन शुड नॉट कंज्यूम मोर द अम्ल टेस्ट द्रव्य. आदमी डोंट कंसिडर विद आदमी विज मेन मैन. ओके, आदमी मीन्स एनी पर्सन, दैट इज द शुक्र नाशन. पित्तलश्य, पित्त बढ़ जाता है इसमें अम्ल विपाक की वजह से,
that is amla vipaka srishti vid mutra shukranashana pittam pittalash, that is about the amla vipak. Kattu vipak dekh lete hain ek bar. The kattu vipak is there, the kattu vipaka badh mid mutra uska jo एकदम कॉन्स्टिपिटेशन हो जाएगा. अगर वो तिक्त कटु कषाय वाला जो द्रव्य खाएगा उससे क्या हो जाएगा, उसको जो डिफिकल्टी इन इवैक्यूएशन ऑफ द रेक्टम, उसको जो डिफिकल्टी इन द डिफेकेशन, ओके, उसको रिमूवल ऑफ द जो फीसेस है उसको डिफिकल्टी होने होएगा, उसको यूरिन में भी प्रॉब्लम होगा. दैट इज अ बद्ध, बद्ध मीन्स एकदम जकड़ के रखेगा, बद्ध बिड मूत्र शुक्रनाशन है. वहाँ पे उसका जो अगर आप तिक्त कटु कषाय खाएंगे ज़्यादा तो आपके जो शुक्र है, जो स्पर्म और ओवम की जो प्रोडक्शन है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस अंदर ओवोजेनेसिस जो भी कुछ होता है वो डिक्रीज क्वांटिटी में हो जाएगा. वातलश चेति मीन्स वहाँ पे वात दोष बढ़ जाता है. ओके, सो हमें मालूम है कि मधुर अम्ल लवण वात दोष को कम करने के लिए रहता है जो तिक्त कटु जो कषाय जो द्रव्य रहते हैं. मैं द्रव्य द्रव्य क्यों घड़ी घड़ी बात कर रहा हूँ, क्योंकि कटु तिक्त कषाय द्रव्य खाने के बाद ही कट्टु विपाक हमारा बनने वाला है, जो कि लास्ट स्टेज रहेगा, जो कि जठर अग्नि के परिणाम के बाद बनता है. इसलिए मैं द्रव्य द्रव्य की बात कर रहा हूँ अगेन एंड अगेन. ओके, द कट्टु विपाक फॉर्म विद द हेल्प ऑफ द तिक्त कट्टु एंड कषाय द्रव्य. ओके, सो इससे होगा क्या, बद्ध बिड मूत्र शुक्रनाशन एंड वात उसका वात दोष बढ़ जाएगा. सो दैट इज ऑल अबाउट द विपाक कॉन्सेप्ट. लेट्स वन गो टू द वन बाय वन टू रीड वन मोर टाइम श्लोका. तो दैट इज द जाठेर अग्निनाम योगात उद्यते रसांतरम रसानाम परिमाणांत स विपाकेति स्मृतः. दैट इज द मधुर विपाक शिष्ट विड मूत्र शुक्र विद्धिकर श्लेष्मश्य. उसके बाद अम्ल विपाक भी पढ़ लेते हैं. अम्ल विपाक इज अम्ल विपाक शिष्ट विड मूत्र शुक्रनाशन पित्तलश्य. लश्य मीन्स उसके पित्त धातु बढ़ जाए, पित्त दोष बढ़ जाएगा. ओके, तो उसके बाद वही बोला गया कि कटु विपाक बद्ध बिड मूत्र शुक्रनाशन वातलश्यति. सो दैट इज ऑल अबाउट द विपाक कॉन्सेप्ट इन डिटेल. सो दैट इज ऑल अबाउट द विपाक, दैट इज इनफ फॉर दिस. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ नाइस डे. जय हिंद, जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी.